मैं चुप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अभी प्रज्ञा को लगकर घर बैठा देगा। क्या करूं जिससे अभी फौरन यहाँ इस घर में वापस आ जाए और दोबारा हॉस्पिटल ना जाए। क्या करूं मैं? वो एक होंगे और उन्हें एक करने के लिए उनके बीच उनकी बेटी आ चुकी है। इस वक्त जीजू और प्रज्ञा दोनों एक साथ उसके साथ हॉस्पिटल में। क्या करूं? आलिया, मुझ पे बाद में चला लेना, पहले दादी का ख्याल रखो। और वैसे भी मेरे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। अनु, केरा की माँ केरा की मॉम से बाद में मिल लेता हूँ, पहले प्रज्ञा को फोन कर लेता हूँ, बहुत परेशान होगी। मैं तो मारना ही चाहती थी, तेरी किस्मत तुझे बचा गई बुढ़िया। नहीं दासी, मैं मुझे सच में लगा कि इंदू दासी आपको बुला रही है और इसीलिए मैंने आपको, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे धीरे दबा, तोड़ देगी क्या मेरा पैर? आराम से पैर दबाओ दोनों, अगर उन्हें थोड़ा सा भी और दर्द हुआ ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी मैं ले आया। हाँ। पानी दो बेटा। हाँ, ये वाले। सॉरी, सब ठीक हो जाएगा दासी, डोंट दासी वारे। दासी आप ठीक तो है ना? आपको क्यों लगती? तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों आया मतलब दादी? आपको चोट लगी है, आपका ख्याल रख रहा है, सारे काम छोड़ के आपको देखने आया है, जैसे मैं भी आपका ख्याल रख रही हूँ। अभी सिर्फ मैं दादी की फुट मसाज कर रही थी, सर दासी हुआ क्या था? सीढ़ियों से गिर गई थी, ध्यान भी नहीं रखते दादी अपना, और ये सनी भी ना ये मार्बल खेल के बीच में रख देता है। प्लीज पूरा दिशा को समझाओ कि सनी के टॉयज ने उठा लिया करे, वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। तो मुझे बात करने दोगी दासी? आप मेरे साथ चलिए डॉक्टर के पास। बेटा तुम्हें क्या लगता, हमने दीदी को डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर आकर देख चुके, वो जो दवाइयाँ उन्होंने दी थी मैं वो भी ले आया, बस अभी लगाइए। मालिश हो गई दासी, तो ये मालिश के पैसे ना अभी से ले लेना। हा? पैसे तो मैं तेरे क्रिया कर्म के लूंगी, जो मैं अपने हाथों से करूंगी। मालिश के पैसे ले ले।
भाई यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए अपनी जुबान और अपने हाथों पर कंट्रोल रखो, समझी? अभी तूने बताया नहीं कैरा का एक्सीडेंट हो गया? चोट पड़ी मम्मा, सुपरमैन थे, मुझे कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन बेटा वो अंकल वो एक्सीडेंट नहीं, वो तुम्हें बेटा हमें ना तुम जाके पुलिस को सब कुछ बताना होगा, ओके? डोंट वरी, उस टाइम मैं सुपरमैन बात थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। बेटा लेकिन वो अंकल बहुत खतरनाक है, वो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा सब कुछ। अगर पुलिस को बताना है तो आपको मेरे साथ रहना होगा, तभी हम पुलिस को कुछ बता पाएंगे। एक सेकंड भी मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक सेकंड में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, रियली सॉरी। अम्मा सुपरमैन कहाँ गए? सुपरमैन सिर्फ काम से गए, जल्दी आ जाए। मुझे छोड़ के चले गए, उनको किसी ने बताया नहीं कि मैं उठ गई, या फिर उन्हें पता था और फिर भी चले गए। आने दो ने, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। इसलिए बोलते बेटा, आपने बोला था ना वो आपके सुपर हीरो है, सुपर हीरो से कभी नाराज नहीं होते। और आपको पता है अब आपके सुपरमैन आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी रहेंगे। अंदर मतलब? मतलब आपके सुपरमैन ने ना आपको आपको ब्लड दिया, तो आप आपके साथ ही नहीं हमेशा आपके ब्लड में भी रहेंगे। आप दोनों सेम सेम होंगे। जब आप हंसोगे तो वो हंसेंगे, आप रोगे तो वो रोएंगे, आपको चोट लगेगी तो दर्द उन्हें होगा। वो तो दुनिया के बेस्ट पर्सन, दुनिया के बेस्ट पर्सन। आप ठीक कह रहे हो, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं हूँ कि उनसे नाराज हो रही हूँ। मैं हमेशा उनसे प्यार करूंगी जैसे आपसे करती हूँ। ये बुढ़िया स्वर्णी दासी पागल हो गई है। मैंने इनके पांव दबाए, इनकी सेवा की और इन्होंने वापस अभी को कियारा के पास भेज दिया होगा हॉस्पिटल। तो वहां पे कियारा नहीं प्रज्ञा भी है, और अगर इस बार अभी प्रज्ञा से मिला तो ये उनका मिलना नहीं, उनका मिलन बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर अभी वहां पे क्यों जाएगा? उसकी प्यारी स्वर्णी दासी, उनका पांव टूटा है तो उनको ऐसी हालत पे छोड़ के हॉस्पिटल कैसे जा सकता है? मैं भी ना अभी से इतना प्यार करती हूँ कि कुछ भी सोचने लगती हूँ। इतना ज्यादा पॉसेसिव होना भी ठीक बात नहीं है, कहीं और ढूंढती हूँ, यहीं कहीं होगा। या सब देख रहे हैं ना, तो क्या आप भी प्रगति की तरह चुप रहेंगे? प्रगति के लाइफ में आपने जीजू का प्यार लिख दिया, पर उनसे मिलना लिखा ही नहीं। जीजू की किस्मत में आपने बाप बनना लिख दिया, पर औलाद का सुख नहीं। तीनों एक दूसरे के सामने हैं, पर एक दूसरे के साथ नहीं। एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं वो, पर एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? मेरी तीन और जीजू ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत इंतजार किया है उन्होंने। क्या करूं, पहले फूल दूं या नहीं? नहीं, पहले सॉरी बोलता हूं, उसके बाद फूल देता हूं, फिर कियारा को पुकार। यस
प्रज्ञा, प्रज्ञा किया से मिली आई है। उसे पता था मुझे उसकी जरूरत है, तो खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। पर कियारा की मॉम कहाँ है? अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ दिया, स्ट्रेंज। जीजू ने कियारा की जान बचाई बिना ये जाने कि वो उन्हीं की बेटी है। ऐसा संजोग वही होता है जहाँ उनका रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, खुद प्रज्ञा दी भी नहीं। बस अब जिस डोर से इन तीनों को जोड़ना है, मैं कोशिश करूंगी वो टूटी नहीं। हेलो दिशा, अभी कहाँ? क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दिशा, सवाल के बदले सवाल मत करो, मुझे बस इतना बताओ कि अभी कहाँ है। नहीं, आप बताइए तो। कुछ हुआ है क्या दादी? दादी ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में ऐसा कोई है जो ठीक नहीं है और ना ही दूसरों को ठीक रहने देगा। मैं जानती हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तनु है ही ऐसी, ना खुद जिएगी ना किसी को जीने देगी। अब क्या किया है उसने? झगड़ा हुआ है उसका और मिराज। इस बात पे? अभी को लेके, जिस तरह अभी के हॉस्पिटल वापस जाने पे उसने रिएक्ट किया, उससे साफ पता चलता है कि वो अभी को पाने के लिए कुछ भी करेगी। सामने कौन है वो नहीं देखेगी, लेकिन कुछ भी कर जाएगी। अगर मैं तनु को रोकना है तो हमें अभी और प्रज्ञा दी को जल्दी से जल्दी एक करना होगा, तभी उसके सारे सपने हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे। जब वो उन दोनों को एक होते हुए देखेगी तभी उन दोनों को चैन से जीने देगी। दिशा, मैंने आज देखा है उसका गुस्सा। जब मैंने उससे ये कहा कि वो और अभी कभी एक नहीं हो सकते, उसने मिसबिहेव किया मेरे साथ, ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे मार ही डालेगी। इससे पहले कि वो किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें किसी भी हाल में अभी और प्रज्ञा दी को एक करना होगा। वो मिले वहां पर? नहीं, और अभी नर्स ने मुझे बताया था कि जीजू हॉस्पिटल तो आ गए हैं, पर कियारा के रूम में ही जा रहे हैं। तो मैं खुद उन्हें जाके बता दूंगी। बस बहुत हो गया। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता देना। ठीक है। हेलो दिशा आंटी। हाय बेटा। सनी कहाँ है? डॉक्टर ने उसे यहाँ रुकने से मना कर दिया था ना, तो मैंने उसे घर भेज दिया। सनी भी चला गया और सुपरमैन भी चलेगा, से मिलने नहीं आया। नो नो बेटा, आपके सुपरमैन आपसे मिलने आएंगे ना, सिर्फ घर गए हैं, वो लाइफ से थोड़ी ना गए हैं आपके। आपके सुपरमैन ना आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सच? थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आप मम्मा को समझाओ ना मुझे नहीं सोना, मुझे भी जागना है क्योंकि मुझे अपने सुपरमैन से भी मिलना है। ओके, मैं समझा दूंगी। अब हेल्प मांगी है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, आफ्टर ऑल वो मेरी। बच्चा, जब तक मैं आपकी मम्मा को समझाती हूँ ना, आप एक काम करो, आप मोबाइल पे कार्टून देख लो। ओके, आती हूँ मैं। थैंक यू आंटी। दीप, अब वो घर क्यों चले गए? घर पे सब ठीक है? सब ठीक कैसे हो सकता है? सब कुछ ठीक आपके बिना? ना घर पे कुछ ठीक है ना जीजू के लाइफ में। अब तक मैं आप दोनों को इसलिए मिलवाना चाहती थी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दी इट्स हाई टाइम आप लोगों को मिल जाना चाहिए क्योंकि आप लोग एक फैमिली है। अच्छा देखो, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने। तो कौन सा वक्त सही है दी? क्या क्या करना चाहती हो तुम? नंबर जीजू के नाम से सेव्ड है, हैप्पी फैमिली, सुपर फैमिली, क्या करने की कोशिश कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हूँ आप अच्छे से जानते होती, लेकिन तुम नहीं जानती मेरी जिंदगी में अभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और ये सब करके तुम उन कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे रही। बढ़ा नहीं रही होती, आपकी लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जब कियारा सीढ़ियों से गिरी थी तो मैं उसे घर छोड़ने गई थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो आपकी बेटी है, और मुझे ये भी पता चल गया था कि आपने उसे कभी कुछ नहीं बताया। कि मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप कियारा और जीजू से ये सब कुछ क्यों छुपा रही हैं। दी, आपके और जीजू के प्यार ने एक बार फिर से आप दोनों को मिला दिया है, उसी तरह से बाप और बेटी के प्यार ने भी उन्हें मिलवा दिया है। बस वो ये नहीं जानते हैं कि जिसे वो दिल का रिश्ता समझ रहे हैं एक्चुअली वो खून का रिश्ता है।
उनके प्यार को देखकर भी आप उनसे सच छुपा रही हैं दी। गलत है ना दिशा? सही गलत इस वक्त तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ दी, इसलिए तो आज तक ये सच मैंने किसी को नहीं बताया सिवाय पूरब जी के। पूरब? मेरे हस्बैंड है, वो मैं नहीं छुपाती उनसे कुछ। मैं तो जाकर बताने वाली थी जीजू को कि कियारा आपकी बेटी है, पर पूरब जी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये आपका हक है कि आप जीजू को जाके ही सच बताएं। वो वक्त आ चुका है दी, आपका हक यूज कीजिए, बता दीजिए सच क्या है। आप नहीं बताएंगे ना तो मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि कुछ हक तो मेरा भी बनता है कियारा की मासी होने का। मेरा हक है कि मैं उसे सच बताऊं। वही डॉलर जो अब किसी और के पास है। तुम्हें याद है? Not bad. देखो तुमने मुझे इतना अच्छा नाम दिया है, सुपरमैन। तो अब मुझे भी तुम्हें कोई नाम देना चाहिए ना, इसलिए फुगी। मैं सुपरमैन आपको बुलाने के लिए नहीं बोलती। आप तो मेरे हीरो है, क्योंकि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया था ना स्कूल में, इसलिए आपको हीरो बोलने का रीजन है मेरे पास। आपके पास क्या रीजन है मुझे फुगी बुलाने का? सच बोलना, क्योंकि हर पेटीएम के पीछे ना एक रीजन होता है। अब जैसे मैं आपको शॉर्ट ही नहीं बुला सकती क्योंकि आपकी हाइट शॉर्ट नहीं है, वैसे ही आप मुझे सायरा बानो नहीं बुला सकते क्योंकि मैं सायरा बानो हूँ ही नहीं, पर वो मेरी फेवरेट है। तो मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें फुगी क्यों बुलाता हूँ। हाँ। तुम ना मुझे मेरी फुगी की याद दिलाती हो। मुझे ना दो बातें समझ नहीं आती। पहली बात, आप मुझे फुगी बुलाते हैं जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं, और उधर मेरी मम्मा मुझे अपने डायर जैसी बोलती है। मुझे तो नहीं लगता मैं अपने डायरा जैसी हूँ। हमारी चॉइसेस भी अलग है, हमारा बिहेवियर भी अलग है, और हमारी खाने की चॉइस भी अलग है, और हम दिखते भी अलग है, वे ना हम अलग अलग। पूरी दुनिया ये समझती है कि कियारा मिस्टर सिंह की बेटी है। कियारा खुद ये मानती है कि मिस्टर सिंह उसके डैडा। तुम भी ये बात एक्सेप्ट कर लो कि यही उसकी फैमिली। नहीं एक्सेप्ट करूंगी। आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, मुझे जो समझना है मैं समझ गई हूँ। अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। कियारा सोई नहीं बेटा? एक्चुअली वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा ड्राइंग कर ले। अच्छा क्या बना रहे थे दिखाओ। वाओ ये कौन है? ये मेरे सुपरमैन, ये मैं, और ये मेरी मम्मा। जब सुपरमैन ने मुझे ब्लड दिया तो मैं सुपर गर्ल बन गई, तो मम्मा अचानक से ही सुपर वुमन बन गई। आपने अपनी खुद की सुपर फैमिली बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। अच्छा कियारा आपको अभी बेटर फील हो रहा है ना? हाँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ, मैं तो बोरी हो रही थी, चलो खेलते हैं। ओके तो इस गेम में ना हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके। जैसे आप किससे मिलते जुलते हो, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। यस। सो आप पहले सवाल के लिए रेडी हो? यस। वन मोर। झूठा जग रहन बसेरा। डोंट वरी मम, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। मुझे भी कियारा के मुंह से डैड सुनना है, फेक डैड नहीं, माय डैड। नो आइज। पापा मुझे तो लड़की चाहिए, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना,
जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा। मुझे हमेशा से ही कियारा जैसी बेटी चाहिए थी और मुझे मिली भी, पर कभी मेरे साथ नहीं रही। क्यों किया प्रज्ञा तुमने ऐसा, क्यों? अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना। आज समझ आ रहा है कि उसकी हर बात मुझे मेरी जैसी लगती थी, बातें मेरी जैसी, नौटी मेरे जैसी, स्टाइल मेरा, मेरे ही कार्बन कॉपी है। मेरी बेटी जो है उसके साथ रह के कभी नहीं लगा कि वो मेरी और प्रज्ञा की बेटी, क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि प्रज्ञा मुझसे ये बात छुपाएगी, पर उसने छुपाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। वन मो, जितना तुम भगवान को मानती थी ना, उतना मैं तुम्हें मानता था, और तुमने मेरी सख्ती, सब कुछ करना चाहिए था पर ये नहीं। हर बार मैं आकर तुमसे कहता था ना कि एरा मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे सुपरमैन बुलाती है, फेक डैड बुलाती है। बाप बनने की फीलिंग्स क्या होती है ना, सबसे पहले मैंने आकर तुम्हें बताई थी, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझे ही समझोगी, मेरी खुशी में खुश होगी। लेकिन मैं बोलता गया यार, मैं बार बार बोलता गया, तुम चुप की चुप ही रही। एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला क्या कि अगर मुझे बता दे कि जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूं, वो एक्चुअली मेरी बेटी है। मन नहीं किया तुम्हारा बताने का क्या? पता है तनु नजर आती है आपके साथ हर वक्त, आपके और आपके अपनों के खुशियों के खिलाफ। आप कियारा को अपने साथ उस घर में ले जाएंगे, वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मैं जब उसकी नफरत से नहीं बच पाई, अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी? सिर्फ तनु की वजह से मैंने आपकी बेटी को आपसे दूर रखा। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तनु का बहाना दोगी तो मुझसे बचाओगी तुम? झूठ सच जो भी बोल रही हूँ ना, मैं अपनी बेटी को खतरे से बचाने के लिए बोल रही हूँ। कियारा मेरी भी बेटी है, अभिषेक प्रेम मेरा की बेटी। तुम्हें लगता है कि मैं उसे किसी भी तकलीफ या किसी भी मुसीबत से नहीं बचा सकता? वो मेरी बेटी, हम दोनों उस घर में नहीं जाएंगे। किसने कहा तुम आने वाली हो? तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं मैं अपनी बेटी कियारा को मिसा करने चाहूंगा। मैंने कहा ना, वो मेरी बेटी है, मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी, उसे कभी अकेला छोड़ूंगी नहीं मैं। और अब मैं भी उसके बिना नहीं रहने वाला। क्या हुआ पूरब जी, क्या बात हो गई, बताइए ना। अभी वो जीजू, क्या 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 हो गया? क्या हुआ? किस भाई को क्या हुआ? तुम चुप करके, किसका फोन था? मुझे अभी की फिक्र हो रही थी तो मैंने पुलिस में अपने एक फ्रेंड को फोन करके सारी डिटेल्स बता दी, और उसने भी पास के पुलिस स्टेशन में सबको डिटेल्स भेज दी। और अब क्या पूरा? अभी मिल गया। Oh, thank God. लेकिन नशे की हालत में बेहोश। एक सिग्नल के पास, और पुलिस ने फैमिली में से किसी को बुलाया। आप सब लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा जीजू को, हम जाएंगे ना उन्हें, मैं और पूरब जी जाके चेक करेंगे, कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं हो सकता उन्हें, तब जबकि लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है उन्हें, कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। चलिए पूरब जी, आप चलिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी आती हूँ। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग गए ना अभी को लेने के लिए, आ जाएंगे वो लोग।
हाँ हेलो दी। हाँ हाँ दिशा, क्या हुआ, घबराए हुए क्यों? एक्चुअली दी, पुलिस ने हमें बुलाया है, उन्हें कोई आदमी बेहोश पड़ा मिला तो तुम वो क्या हुआ, तुम लोगों ने देखा? नहीं, इसीलिए उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। साथ साथ में ये भी बोल दो दिशा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो अभी को स्ट्रेस नहीं देती ना, तो अभी की ये हालत नहीं होती। तनु अभी क्लियर नहीं हुआ है ना। हाँ तो कुछ होने का वेट करूं? अभी अगर कुछ हो गया तो उसके घर जाके सुनाऊं? यू नो व्हाट, लिसन प्रज्ञा, अगर मेरे अभी को कुछ भी हुआ ना, तो तुम सोच नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इनफ तनु, कोई कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे वो बात कर रही है, बात तो करनी तो कम से कम। तो तुम्हारे लिए प्रज्ञा से बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी को ढूंढना नहीं। और अगर ऐसी बात नहीं पूरा तो घर पर दिखावा क्यों कर रहे थे कि तुम्हें अभी की चिंता है? तनु जस्ट शराब या प्रज्ञा बाद में बात करते हैं, अभी हम भाई को लेकर बहुत टेंशन। लेकिन वो बिल्कुल ये लो।